स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास एंड वी विल डिस्कस टुडे अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड आई एम टेकिंग सम एग्जांपल टू एक्सप्लेन द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में आप सभी को पता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ चलते हैं, है ना। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दो बीकर लिए हैं। फर्स्ट बीकर में मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है, सेकेंड बीकर में मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है। फर्स्ट बीकर में मैंने इस सॉल्यूशन में आयरन मेटल का एक रॉड जो है वो डिप कराया है एंड सेकंड बीकर में मैंने क्या किया है, सिल्वर मेटल की एक रॉड इसमें डिप करवाई है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, आपको ये पता ही है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, है ना। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा। तो देखिए, जैसे ही आयरन को कॉपर में डिप कराया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। क्यों होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन क्या होता है, कॉपर के कंपेयर में मोर रिएक्टिव मेटल होती है एंड इट डिस्प्लेसेस द कॉपर मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस मीडियम या एक्वस सॉल्यूशन। तो आयरन क्या करती है, कॉपर को इसके एक्वस सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देती है। तो रिएक्शन कैसे होती है, देखिए आयरन, ठीक है, आयरन ने जैसे ही कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कराया हमने, तो FeSO4 बनता है और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये जो ब्लू कलर होता है ना कॉपर सल्फेट का, वो आयरन सल्फेट बनने की वजह से कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। देन वी कैन से दैट आफ्टर सम टाइम द ब्लू कलर सॉल्यूशन चेंज इनटू द ग्रीन कलर सॉल्यूशन। तो ब्लू कलर सॉल्यूशन किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस रेडॉक्स रिएक्शन इन विच आयरन डिस्प्लेसेस द कॉपर। ओके, एंड यहां पर देखिए आयरन का तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन एंड कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। समझ आया। अब देखिए हम दूसरे बीकर जो रिएक्शन है उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, सिल्वर मेटल लिया है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है एंड यू ऑल नो दैट जो सिल्वर है, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। सिल्वर क्या है, कॉपर से लेस रिएक्टिव होती है एंड दैट इज व्हाई इट कैन नॉट डिस्प्लेस द कॉपर। तो कॉपर को ये डिस्प्लेस नहीं कर सकती है फ्रॉम इट्स एक्वस मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। जब भी हम सिल्वर को कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं या अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में सिल्वर ऐड करते हैं देन नो रिएक्शन, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ है, तो ये तो आपको रीजन पता ही है कि ये मोर रिएक्टिव है और ये यहाँ पर सिल्वर कॉपर से लेस रिएक्टिव है। बट अब हमें केमिस्ट्री पढ़नी है तो हमें ये चीज से हटकर जो अलग टर्म है वो यूज में लेनी है, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड दिस टर्म इज नोन एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो हमने अब हमें जो नई बात सीखनी है, ठीक है, एंड दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब हमें इसका आंसर इस वे में करना है। तो देखिए जब भी हम किसी सॉल्यूशन में कोई भी रॉड डिप करते हैं तो वो एक इलेक्ट्रोड के जैसे बिहेव करता है। किसकी जैसे बिहेव करता है, वो इलेक्ट्रोड के जैसे। तो जैसे ही हमने अभी हमने क्या किया था, कॉपर सल्फेट में आयरन की रॉड डिप करी थी, है ना। तो आयरन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इस तरीके से लिखते हैं। ओके, आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ना उसको हम इस तरीके से डिक्टेट करते हैं, नॉट यहाँ पे जो मैंने लगाया है ई नॉट, ठीक है, एंड दैट इज एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड वैल्यू। ये किसको एक्सप्लेन करता है, स्टैंडर्ड वैल्यू को। नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड का मीनिंग होता है ये जो वैल्यूज होती है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में ली हुई होती है। स्टैंडर्ड कंडीशन मींस रूम टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड और भी बहुत सारी बातें हम 12th क्लास में स्टडी करेंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है
एंड दिस इज लेस देन कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, ये क्या होता है, कम होता है। और जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि एसआरपी की वैल्यू क्या होती है, कम हो ज्यादा होती है, ये ध्यान रखो, जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होती है वो रिड्यूस होगा, वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाता है। तो देखिए हमने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करा था तो ये जो वैल्यूज होती है ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती है और ये फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होती है, कब, जब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हमने इनको फाइंड करावा होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो हमने अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के लिए फाइंड करावा है, इसकी डिटेल डिस्कशन हम बात करेंगे 12th क्लास में। तो ये जो हमने वैल्यूज फाइंड करी है वो वैल्यूज फिक्स होती है, कॉन्स्टेंट होती है, और उसको अरेंज किया गया है, सीरीज बनाई गई है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इस सीरीज से हमें ये पता चल जाएगा कि किस मेटल का रिडक्शन होगा और किस मेटल का जो है वो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ये रिएक्शन हुई है तो हमने इसको बता तो दिया कि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव होती है कॉपर की वजह से, इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन इसको अब आज के बाद हम दूसरी तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग होता है कि जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है, वो हमेशा रिड्यूस होगा, ठीक है। तो जो रिड्यूस यहाँ पर इस कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है आयरन से, दैट इज व्हाई कॉपर रिड्यूसेस, कॉपर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ओके। लेकिन जो दूसरी वाली रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में देखिए क्या है कि यहाँ पर कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ओके, एंड ये क्या है, कम है, किसके कंपेयर में, सिल्वर के कंपेयर में, और इसी रीजन की वजह से कॉपर यहाँ पे रिड्यूस नहीं होता, इट मीन सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है अपने चैप्टर में, आपके जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गिवन है, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि किसके लिए रेडॉक्स जो है ये एसआरपी की वैल्यू जो है कम है और किसके लिए ज्यादा है। तो वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आपको थोड़ा सा आइडिया लेना है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा बुक में से। अब देखिए हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एंड दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना वैसे मैंने आपको सिखा दिया है, लेकिन हमारे यहाँ चैप्टर में हमें दोबारा इसको पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी फाइंड करते हैं तो एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना। देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं H2SO4, और मान लीजिए यहाँ पे आपसे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है, किसकी पूछी गई है, सल्फर की। तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं। देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, ठीक है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, +1, ये मैंने लिख ली यहाँ पे, ये हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, प्लस एस। सल्फर के लिए हमें फाइंड करनी है तो मैं इसको एक्स मान लेती हूँ, प्लस ऑक्सीजन कितनी है, 4, और एक ऑक्सीजन की होती है -2, एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, टू 4 × -2, ओके, इक्वल टू, देखिए ये पूरा जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इस मॉलिक्यूल के ऊपर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। अब आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + x + 4 × 8 यानी कि -8 हो जाएंगे, इक्वल टू 0, देन x विल बी 8 − 2 = 6, यानी कि s का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +6। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम कार्बोनेट आयन का, CO3 2-, और हमें यहाँ पे फाइंड करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन के लिए, ओके। तो कार्बन को हम मान लेते हैं एक्स, कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, एक्स, फिर हमें लिखना है 3 × -2, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है और एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, इक्वल टू, अब देखिए इस पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, -2 चार्ज है, तो इक्वल टू करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2। यहाँ पे हमने 0 क्यों लिखा, क्योंकि ये पूरा मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल, ओके। तो देखिए x -6,
स्टेट। तो देखिए सोडियम का प्लस वन होता है, एक ही है तो हमें एक से ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे टू इंटू वन हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, प्लस इसको हम एक्स ही मान लेंगे, प्लस फोर इंटू माइनस टू। ठीक है, ऑक्सीजन फोर है, एक ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस टू होता है। एंड देन देखिए ये मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो मैं यहाँ पे जीरो लगा दूंगी। ओके, फिर हमें क्या करना है, वन प्लस टू प्लस एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, देन एक्स इक्वल टू एट माइनस टू माइनस वन, देन फाइव। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस फाइव। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एनएच फोर प्लस। देखिए यहाँ पे हमें नाइट्रोजन के लिए फाइंड करना है, तो एक्स मान लेते हैं नाइट्रोजन के लिए, और यहाँ हो जाएगा फोर इंटू वन इक्वल टू। देखिए ये जो पूरा मॉलिक्यूल है उसपे प्लस वन साइन है, तो यहाँ पे इक्वल टू वन आ जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वन माइनस फोर, ये फोर उधर जाके माइनस हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस थ्री, यानी यहाँ नाइट्रोजन किसमें है, माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नेक्स्ट इसी तरीके से हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखिए ओ एफ टू, यहाँ पे मैं हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना, तो ऑक्सीजन को एक्स मान लो, प्लस टू, और फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए माइनस वन होता है, टू इंटू माइनस वन, ओवरऑल चार्ज जीरो है, देन एक्स विल बी यहां से माइनस टू उधर जाके प्लस टू हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की कितनी है, प्लस टू। ओके, इसी तरीके से आप इस मॉलिक्यूल में बोरोन के लिए फाइंड करोगे, मैंने बहुत सारे एग्जांपल नोट्स में कराए हुए हैं, वो आप लोग अच्छे से सीख लेना। ठीक है, थैंक यू।